हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं, ठीक है। और साथ में नए नए वर्ड्स भी आपको सीखने को मिलेगा, जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सीखेंगे आप। हाय, माई नेम इज़ राज। हाय मीन्स होता है नमस्ते, ठीक है, नमस्ते। मेरा नाम हैं राज, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ये तो पता लग गया होगा इज से, ठीक है। मेरा नाम राज है, ये सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का। दिस इज माय हाउस, यह है मेरा घर। दिस इज माय हाउस, यह मेरा घर है, यह भी सिंपल सेंटेंस है। इट ओनली हैज़ 5 रूम्स, इसमें ओनली मात्र हैज़ 5 रूम्स। जब सब्जेक्ट के अंदर कुछ होता है तो उसके लिए हैज और हैव का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर के साथ हैज और प्लुरल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। इसमें किसमें, तो घर में। कितना रूम है, तो 5 रूम है, ठीक है, 5 रूम घर में है, तो क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर है इसलिए हैज का प्रयोग किया गया, ठीक है। इसमें मात्र 5 कमरा हैं, और प्लुरल है तो कमरे हैं, ठीक है, कमरे हैं। इट ओनली हैज़ 5 रूम्स, इसमें मात्र 5 कमरे हैं। इस स्टोरी का टाइटल होगा माई हाउस, मेरा घर, ठीक है। बट लेकिन इट इज़ वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड, इसका रचना या बनावट वेरी वेल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इज मीन्स है। जब किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं होता है तो सिंपल सेंटेंस कहलाता है, और ये सिंपल सेंटेंस पास्ट का है, फ्यूचर का है और प्रेजेंट का है, ये डिपेंड करता है हेल्पिंग वर्ब पे। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज है, इसका मतलब है प्रेजेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, लेकिन ये टेंस का सेंटेंस नहीं है। बट लेकिन इट इज़ वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड, लेकिन इसका बनावट बहुत अच्छा है। द वॉल्स ऑफ माई हाउस आर पेंटेड वाइट। यहाँ पे देखिए ऑफ दिया हुआ है, जब ऑफ दिया हुआ रहता है दो नाउन के बीच में तो इसे उल्टा पढ़ते हैं, ठीक है। मेरे घर के दीवार आर हैं पेंटेड, रंगा हुआ, वाइट उजला रंग से, ठीक है। द वॉल्स ऑफ माई हाउस आर पेंटेड वाइट, मेरे घर के दीवार उजला रंग से रंगा हुआ है। एंड और फ्रॉम इनसाइड, अंदर से, फ्रॉम मीन्स अंदर, अंदर से इट इज़ वेरी कलरफुल, यह है बहुत कलरफुल, रंगीन। ये भी सिंपल सेंटेंस है, इट इज़ वेरी कलरफुल, यह बहुत रंगीन है अंदर से, ठीक है। ऑल द रूम्स आर डिज़ाइंड इन सच अ वे, इन सच अ वे मीन्स होता है, इन सच अ वे मीन्स होता है इस तरह से, ठीक है। सभी कमरे, प्लुरल है इसलिए, कमरे आर डिज़ाइंड, बना हुआ है इन सच अ वे, इस तरह से
दैट की यहाँ पे दे और आर का कंट्रैक्शन है, ठीक है, देर देर वे हैं, आर मीन्स है, ब्राइट चमकीला, ऑल द रूम्स आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट देर ब्राइट, सभी कमरे इस तरह से बना हुआ है दैट कि देर ब्राइट वे चमकीला हैं, एंड और एरी हवादार, विद नेचुरल सनलाइट प्राकृतिक सनलाइट सूर्य प्रकाश के साथ, विद मीन्स के साथ, इस तरह से घर बना हुआ है कि चमकीला और हवादार है, हवादार के साथ प्राकृतिक सूर्य प्रकाश भी है। माई हाउस ऑल्सो हैज अ बैकयार्ड, मेरे घर भी, माई हाउस ऑल्सो हैज पास मीन्स, हैज मीन्स पास, ठीक है, कोई चीज़ जब हमारे पास होता है तो हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है, जब सिंगुलर हो तो हैज और प्लुरल हो तो हैव का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे माय हाउस यानी मेरे एक घर का बात हो रहा है, इसका मतलब सिंगुलर है, हैज का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, पास के लिए। माय हाउस ऑल्सो हैज, मेरे घर के पास भी और बैकयार्ड एक पिछवाड़े हैं, पिछवाड़े हैं, माई हाउस ऑल्सो हैज अ बैकयार्ड, मेरे घर के पास भी एक पिछवाड़े हैं, वेयर माई ग्रैंड मा यूज टू ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जहाँ मेरे ग्रैंड मा दादी यूज टू, जब कोई चीज पास्ट में आदत के तौर पे किया करते थे तो उसके लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ग्रो उगाया करते थे, उगाया करती थी, करती थी, फ्रूट्स फल, एंड और वेजिटेबल्स सब्जियां, वेयर जहाँ माई ग्रैंड मा यूज टू ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मेरे दादी उगाया करती थी फल और सब्जियाँ। माई हाउस इज लोकेटेड इन अ क्वाइट एरिया, मेरा घर है लोकेटेड स्थित इन अ क्वाइट एक शांत एरिया क्षेत्र में, इन मीन्स में, माय हाउस इज लोकेटेड इन अ क्वाइट एरिया, मेरा घर एक शांत क्षेत्र में स्थित है, सो इसलिए इट इज फ्री ऑफ एनी नॉइस, ये मुक्त हैं ऑफ एनी नॉइस, किसी तरह के शोर से, ऑफ मीन से, सो इसलिए इट इज फ्री ऑफ एनी नॉइस, इसलिए ये मुक्त है किसी तरह के शोर से, एयर पोल्यूशन हवा प्रदूषण और या ट्रैफिक जैम्स, ट्रैफिक जब जाम होता है तो शोरगुल होता है, उससे क्या है, वंचित है, मुक्त है। द सीनरी अराउंड माई हाउस इज सो ब्यूटीफुल, यहाँ पे जो है सी साइलेंट है, ठीक है, सीनरी इसे पढ़ा जाएगा, सीनरी
द सीनरी, सीनरी मीन्स होता है प्राकृतिक दृश्य। द सीनरी प्राकृतिक दृश्य अराउंड माई हाउस, मेरे घर के आसपास है, मेरे घर के अराउंड मीन्स आसपास इज है। सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। दिस सीनरी अराउंड माई हाउस इज सो ब्यूटीफुल, प्राकृतिक दृश्य मेरे घर के आसपास बहुत सुंदर है। दैट जो, या फिर जिसे, आई लव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जिससे, आई लव, मैं पसंद करता हूँ, देखिए उठना ये हमारा वर्ब है, जब वर्ब आ जाता है ऑब्जेक्ट में तो टू का प्रयोग करके लिखा जाता है, ठीक है। मैं पसंद करता हूँ उठना अर्ली, जल्दी, इन द मॉर्निंग, सुबह में। दैट जिसे, आई लव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जिससे मैं सुबह में जल्दी उठना पसंद करता हूँ। टू गो फॉर अ वॉक एंड ब्रीथ फ्रेश एयर, टू गो फॉर अ वॉक, टहलने जाने के लिए, ठीक है, टू गो फॉर अ वॉक, टहलने जाने के लिए, गो मीन्स जाना, जाने के लिए, फॉर मीन्स के लिए, टू गो फॉर अ वॉक, टहलने जाने के लिए, एंड और ब्रीथ फ्रेश एयर, ताज़ा हवा का सांस लेने के लिए, ठीक है, ताज़ा हवा के सांस लेने के लिए। क्या करता हूँ, सुबह उठता हूँ। आई ऑल्सो हैव फ्रेंडली नीबर्स, मेरे पास भी, ऑल्सो मीन्स भी, हैव मीन्स पास, ठीक है, पास भी फ्रेंडली नीबर्स, यहाँ पे जी एच साइलेंट है, ठीक है, दोस्त, पड़ोसी, पड़ोसी हैं। आई ऑल्सो हैव फ्रेंडली नेबर्स, मेरे पास भी पड़ोसी दोस्त हैं। आई लव माई हाउस, मैं पसंद करता हूँ यहाँ पे, देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे एस और यस नहीं लगा है, ठीक है। मैं पसंद करता हूँ माई हाउस, अपने घर को, मेरे घर को, ठीक है, अपने घर को। आई लव माई हाउस, मैं अपने घर को पसंद करता हूँ। तो फ्रेंड्स कैसी लगी स्टोरी, आप हमें कमेंट करके बताइए, एंड वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।